बॉलीवुड के महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर एक बार फिर से विवादों में हैं और इस बार विवादों की वजह बना है उनकी फिल्म का एक शूट जो उन्होंने गोवा में किया और शूटिंग खत्म होने के बाद जानते हैं उन्होंने क्या किया। शूटिंग के दौरान जितना कचरा जमा हुआ था उसको ले जाकर गोवा की राजधानी पणजी से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है नेरुल, वहां पर खुले में उस कूड़े को डाल दिया गया। उनके जो लोकल लाइन प्रोड्यूसर हैं दिलीप बोरकर, उन्होंने ये काम करवाया और उसके बाद उस गांव के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि अगर करण जौहर की जो प्रोडक्शन हाउस है धर्मा फिल्म्स, उन्होंने जब अगर इस कूड़े को उठाकर यहां से बाहर नहीं फेंका तो वो इस कूड़े को ले जाकर करण जौहर के दफ्तर या घर में डाल देंगे, क्योंकि वो लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि एक तो उनको फिल्म शूट करने के लिए यहाँ पर परमिशन दी गई और उसके बाद जब वो यहाँ से निकले तो यहाँ का सारा कचरा किसी सही जगह पर न फेंकते हुए गांव में खुलेआम फेंक दिया, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा और बढ़ गया है। गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका भी साफ कहना है कि ये जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटीज और धर्मा प्रोडक्शंस की बनती है, जो जिन्होंने वहां पर शूटिंग की परमिशन दी और शूटिंग की उसके बाद उन्हें वो कचरा सही जगह पर फेंका जाना चाहिए था, ना कि गाँव में खुलेआम इस तरह से छोड़कर जाना चाहिए था। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग काफी गुस्सा हैं। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी उन पर निशाना साध दिया है। लोगों का ये कहना है कि जो पीपीई किट था उसको भी खुलेआम इसी तरीके से फेंका गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है और लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी सही वजह क्या है, क्यों नहीं पहले से सारे अरेंजमेंट किए गए और जब इस शूट की परमिशन ली गई थी तभी इस वक्त इस बात के बारे में क्यों तय नहीं किया गया कि ये कचरा कहाँ फेंका जाएगा। आप लोग बताइए इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड काफ़ी समय से विवादों में है, अलग अलग वजहों से विवादों में है। करण जौहर की बात करें तो पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी आया था जो विवादों में रहा, हालांकि उसे क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन लोग अब भी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये मामला ठंडा हो पाता इससे पहले ही एक और नया मामला निकल कर सामने आ गया है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए।